माई नेक्स्ट जॉब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको खबर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम लोग 5 नवंबर 2019 का करेंट अफेयर्स देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2019 शुरू हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2019 शुरू हुआ। अब इससे जो प्रश्न बनता है देख लेते हैं। पहला प्रश्न, यह अभ्यास उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के निकट चिरचिक प्रशिक्षण क्षेत्र में शुरू हुआ है। दूसरा प्रश्न, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तीसरा प्रश्न, उज्बेकिस्तान की मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम। चौथा प्रश्न, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। पांचवा प्रश्न, उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति है शौकत मिर्जियोयेव। ऑप्शन ए, भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज शक्ति का आयोजन हुआ है जो 31 अक्टूबर 2019 से 13 नवंबर 2019 तक चलेगा। ऑप्शन सी, भारत और म्यांमार के बीच इमनेक्स 2019 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस प्रश्न का उत्तर उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न, कोरिया जूनियर ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? मिसनाम मिराबा ने अंडर 19 कोरिया जूनियर ओपन 2019 का खिताब जीता है। अब इससे जो प्रश्न बनता है देख लेते हैं। पहला प्रश्न, मिसनाम मिराबा ने ली हाकजू को 21-10 21-13 से हराकर यह किताब जीता है। दूसरा प्रश्न, यह प्रतियोगिता कोरिया के मिरियांग में खेला गया था। तीसरा प्रश्न, मिसनाम मिराबा मणिपुर से संबंधित है। 2019 में मिसनाम मिराबा ने तीसरा अंतर्राष्ट्रीय किताब जीता है। अगला प्रश्न, 2019 का इटालियन गोल्डन सैड आर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सैड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को विश्व में प्रसिद्ध प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैड आर्ट 2019 के लिए चुना गया है। अब इससे जो प्रश्न बनता है देख लेते हैं। पहला प्रश्न, यह पुरस्कार उन्हें 13 से 18 नवंबर 2019 को इटली में अंतर्राष्ट्रीय एस्कोर्ना सैड नाट्य उत्सव के दौरान सम्मानित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, सुदर्शन पटनायक को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तीसरा प्रश्न, इस समारोह में दुनिया के 8 कलाकारों को ही भाग लेने का मौका मिलता है। चौथा प्रश्न, सुदर्शन पटनायक ओडिशा से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न, किस देश ने पहली बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में मात दी है? बांग्लादेश ने पहली बार भारतीय टीम को अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में मात दी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 9वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच हुआ था जिसमें बांग्लादेश ने पहली बार भारत को हराया है। अगला प्रश्न, 27वां एजुतचंद पुरस्कार 2019 किसे मिला? प्रसिद्ध लेखक आनंद को
27वें एजुतचंद पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। अब इससे जो प्रश्न बनता है देख लेते हैं। पहला प्रश्न, यह पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी और केरल सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, उन्हें मलयालम भाषा और साहित्य में योगदान के लिए चुना गया है। आनंद का असली नाम है पी सचिदानंदन, वे अपने उपनाम आनंद का इस्तेमाल करते हैं। चौथा प्रश्न, आनंद केरल राज्य से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर आनंद, आनंद का पहला उपन्यास अलकुट्टम था। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जम्मू कश्मीर रेडियो स्टेशन का नाम बदलकर अब ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर रखा गया है। अगला प्रश्न, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन होगा। पहला प्रश्न, इस टूर्नामेंट का प्रारंभ 18 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा। इसका फाइनल मैच 15 नवंबर 2020 को मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा। तीसरा प्रश्न, इस टूर्नामेंट में 16 टीम हैं। चौथा प्रश्न, पहला मैच श्रीलंका और आयरलैंड के बीच 18 अक्टूबर 2020 को होगा। पांचवा प्रश्न, 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया पहला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यह सातवां पुरुष T20 वर्ल्ड कप है। इस प्रश्न का उत्तर ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीता? सर्बिया की नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब जीता है। अब इससे जो प्रश्न बनता है देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने कनाडा की डेनिस शापोवालोव को 7-6, 6-4 से हराकर पांचवी बार मास्टर खिताब अपने नाम किया। राफेल नडाल को चोट की वजह से सेमीफाइनल मुकाबले से हटना पड़ा था। इस प्रश्न का उत्तर नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, पिछले प्रश्न का उत्तर, TNCA की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? रूपा गुरुनाथ। अगला प्रश्न, आज का प्रश्न, हाल ही में जारी भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर जाए। धन्यवाद।